टैलेंट में आप सही का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक गणेश जी का मूर्ति बना के दिखा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं हाथी पर गणेश जी का मूर्ति बनाया है और ये सूर्य सूर से पानी निकलेगा यानी कि वाटर फ्लो सिस्टम इसमें किए हैं और ये पूरा का पूरा मूर्ति मिट्टी का बनाया है और इसे पक्की कलर से पेंट कर दिए हैं, ऊपर नीचे सब जगह पेंट कर दिए हैं जैसा कि देख रहे हैं। और इसे चालू करके दिखाते हैं। तो इसे चालू करने के लिए मोबाइल का चार्जर यूज कर रहे हैं, लाइन से नहीं चलाएंगे डायरेक्ट। तो ये एक तार पहले से जुड़ा हुआ था, एक तार जोड़ देते हैं। तो देखिए ये अच्छा काम कर रहा है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए, थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही ईजी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी ईजी है, नहीं तो ये हार्ड है। और जो भी भाई लोग BGMI देखना या खेलना पसंद करेंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। कुछ दिन के बाद हम वहाँ पर लाइव भी आएंगे और ये मेरे जो चैनल है मेरा दोस्त का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले गोल ऐसा एक मिट्टी का बेस बना लेते हैं और ये मोटर सेट करने के लिए एक स्पेस बना रहे हैं लंबा सा मोटर के साइज का। इसी में मोटर को कवर कर देंगे। तो ये मोटर में सेट कर दिए हैं, थोड़ा मोटर को उधर की ओर झुका देंगे और ये तार को ये मिट्टी में कवर कर देंगे। तो मोटर को थोड़ा उधर झुका दिए हैं और इसमें लोहे की वायर दे देंगे क्योंकि सूर जो बनाएंगे तो पाइप तो खड़ा नहीं रहेगा, इसलिए लोहे का वायर रहेगा तो ये आसानी से खड़ा हो जाएगा, यानी कि सूर जो बनाएंगे ऊपर तक चला जाएगा खड़ा होकर के। और इसे अच्छा से पाइप को मिट्टी में कवर कर देते हैं, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे नहीं तो पाइप जाम हो जाएगा। तो हल्के हल्के मिट्टी को लगाना है पाइप पर। और ये हाथी का पैर बना रहे हैं, तो ये हाथी का पैर सिंपल सा बना दिए अभी। और ये थोड़ा सा हाथी का बॉडी जो बना रहे हैं और ये हाथी का ऊपर वाला हाथ बना दिए हैं। अब हाथी का फेस बनाएंगे तो हल्के हल्के करके फेस बनाएंगे। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और ये हल्का सा फेस का आकार दे दिए, उसके लिए आप सुर बना रहे हैं। सुर में पाइप में ही मिट्टी लगा करके सुर का डिजाइन कर रहे हैं और थोड़ा पाइप को टेढ़ा कर दिए। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि अब इसमें हाथी का डिजाइन को कर रहे हैं। तो हल्के हल्के मिट्टी लगा करके हाथी का सेट तैयार कर रहे हैं। गाल के पास थोड़ा ऊपर कर दिए, मतलब उठावा कर दिए। टूल की मदद से थोड़ा गर्दन पे हल्का हल्का लंबा लंबा दाग दे दिए घुमचाया हुआ। और ये आँख के पास थोड़ा सा मिट्टी लगा दिए और थोड़ा हाथी का मुंह जो है थोड़ा खुला हुआ बना रहे हैं। और ये कान बना रहे हैं, सिंपल सा कान बना दिए। पाइप के ऊपर भी थोड़ा सा मिट्टी लगा देंगे। पाइप आधा थोड़ा सा एक उंगली थोड़ा सा नीचे पाइप है, थोड़ा मिट्टी लगा के लंबा कर दिए थोड़ा। और ये कान का डिजाइन कर रहे हैं और टूल की मदद से टूल पे डिजाइन कर देंगे। और ये आँख का डिजाइन कर दिए बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मूर्ति जो बनाएंगे तो इसे ड्राई होने के लिए धूप में नहीं देंगे, नहीं तो मूर्ति क्रैक हो जाएगा। और ये नाखून का डिजाइन बना दिए हाथी का और ये दूसरा इसमें भी हाथी का नाखून बन गया। अब टूल की मदद से थोड़ा लाइन लाइन डिजाइन कर देते हैं हाथ पैर में। और ये पूंछ बना दिए। अब हाथी के माथा पे गणेश जी का मूर्ति को बनाएंगे सिर पर, तो इसीलिए हल्का सा वहाँ गीला कर दिए। और ये पैर बना दिए सिंपल सा और ये दूसरा पैर बना दिए। अब कपड़े का डिजाइन कर रहे हैं गणेश जी का, तो बहुत ही सिंपल तरीका से गणेश जी का डिजाइन कर दिए कपड़े का। अब ये गणेश जी का पेट का डिजाइन कर रहे हैं यानी कि बॉडी बना रहे हैं। और ये गणेश जी का सीने का डिजाइन कर रहे हैं।
ये दूसरा हाथ बना दिए, दूसरा हाथ सिर पर रख दिए और एक हाथ में डमरू बनाएंगे, एक हाथ में ऐसे ही, और टूल की मदद से थोड़ा अच्छा से बॉडी को तैयार कर लेते हैं और ब्रश से पेंट कर लिए। अब गणेश जी का फेस बना रहे हैं तो सबसे पहले बाल का डिजाइन कर दिए सिंपल तरीका से, और दोनों तरफ बराबर से चाँप करके गणेश जी का आँख बनाएंगे। तो ये थोड़ा अंगूठा से भी हल्का सा चाँप लेते हैं। और ये आईब्रो का डिजाइन कर रहे हैं गणेश जी का। अब आँख बना रहे हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका से टूल की मदद से आँख बना रहे हैं। अगर जो आप लोग के पास टूल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में टूल का वीडियो दे दिए, वहाँ से जाकर टूल का वीडियो देख सकते हैं। तो ये फेस बन के रेडी हो चुका है, फिर फेस लगाने के टाइम लगाएंगे, उसके ब्रश से पेंट कर लेते हैं। अब स्टिक लगा करके गणेश जी का फेस को जोड़ देंगे और गर्दन में हल्का सा मिट्टी लगा करके ब्रश से पेंट कर दिए, कान भी लगा दिए, बाल लगा देते हैं तो बाल भी सिंपल सा लगा दिए और कर्ची की मदद से बाल का डिजाइन कर देंगे। और ये दांत भी लगा दिए। अब गणेश जी का हाथ बना रहे हैं तो हाथ टूल की मदद से हाथ बना रहे हैं, तो हल्के हल्के करके हाथ का डिजाइन कर दिए, वैसे ब्रश से पेंट कर देते हैं और डमरू बना रहे हैं हाथ में, और ये हाथ में जेवर का डिजाइन कर दिए, और इस हाथ में भी जेवर का डिजाइन कर दिए, और गला में भी पैर में भी जेवर का सारा डिजाइन कर देंगे इसी तरीके से। और ये स्टिक लगा करके हाथी का दांत बना रहे हैं, तो स्टिक लगा करके हाथी का दांत लगा चुके हैं। और ये बजर का पेंट है, इसी से पूरा मूर्ति को कलर कर देंगे, ऊपर नीचे पूरा कवर करेंगे कलर से, और एक बार नहीं तो दो बार पूरा पेंट कर देंगे। अगर जो कहीं पे कलर छूट रहा है तो वहाँ पर फेविक्विक दे देंगे, क्योंकि फेविक्विक भी पानी में नहीं गलता है। तो पूरा ऊपर नीचे पूरा कवर कर देना है, और कहीं पर कलर नहीं जा पहुंच रहा है तो वहाँ पर फेविक्विक डाल देंगे। तो ये देख रहे हैं इसमें दो बार पन्ना मार चुके हैं और ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह कलर को पेंट कर दिए। अब ये पानी में नहीं गलेगा। अगर जैसे पानी में गलाना चाहते हैं तो इसे हल्का सा मिट्टी से एक स्क्रेच मारेंगे, पानी में गल जाएंगे। अब इसमें फैब्रिक कलर यूज कर रहे हैं, इसमें ब्लैक वाइट और ब्लू थोड़ा तीनों कलर मिला करके हाथी का कलर बनाए, और इसमें हल्का सा वाइट कलर मिला करके हाथी वाला ही कलर में हल्का हल्का शेडिंग कर रहे हैं, और ब्लैक कलर से डीप सेटिंग कर रहे हैं। ये जो फैब्रिक कलर यूज कर रहे हैं ये भी पानी में नहीं गलता है, मगर मिट्टी का मूर्ति में अगर जो डायरेक्ट फैब्रिक कलर यूज करते हैं तो वो पानी में गल जाएगा, इसीलिए पहले पक्की पेंट यूज करके फैब्रिक कलर से कलर कर दिए तो ये पानी में नहीं गलेगा। और इसमें कान में हल्का हल्का गुलाबी कलर से सेटिंग कर देंगे। और मुंह में भी हल्का सा गुलाबी कलर कर दिए, और सुर में भी हल्का सा गुलाबी कलर से शेडिंग कर देंगे। और ये ब्राउन कलर से नीचे को पेंट कर देंगे पत्थर को, और ये नाखून को वाइट कलर से पेंट कर दिए। तो ये फैब्रिक कलर सही गणेश जी का फेस को भी पेंट कर रहे हैं, ऑरेंज वाइट येलो तीनों कलर मिला करके गणेश जी का फेस कलर बनाए, और इसमें हल्का हल्का वाइट कलर से शेडिंग कर देंगे बॉडी पे पूरा। तो हल्का हल्का शेडिंग कर दिए हैं। Thank you.
अब गणेश जी का आँख को पेंट कर रहे हैं और गणेश जी का धोती को वाइट कलर से ये छोड़ दिए और हल्का सा गुलाबी कलर से सेटिंग कर देंगे। और ब्लैक कलर से आँख को पेंट कर रहे हैं। और ये गोल्डन कलर से जेवर पेंट कर रहे हैं। ये मूर्ति अब रेडी हो चुका है। अब इसे आप लोग को वाटर फ्लो वाला जो सिस्टम बना है वो आप करके यानी कि चालू करके दिखाएंगे। तो ये प्लेट में इसे रख करके चला करके दिखा रहे हैं, नहीं तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो पीछे में डेकोरेशन कर देते पार वाला सीन बना करके, तो फिर करते, मगर अभी टाइम नहीं है। तो इसे चलाने के लिए चार्जर यूज कर रहे हैं और थोड़ा इसमें शुरू में थोड़ा सा पाइप जोड़ देते हैं पतला सा, और देखिए सही से काम कर रहा है। और आप लोग को ये मूर्ति कैसा लग रहा है कॉमेंट करके बताएं, ज़रूर बताएँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक सीन के साथ गणेश जी का मूर्ति को दिखाएँगे, यानी कि दूसरा वीडियो दिखाएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।